नववर्ष की मिलन समारोह के मौके पर आज रन्नौत तहसील के ग्राम जिला कला में युवा मोर्चा मंडल रन्नौत द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र बिरथरे ने अपने उद्बोधन में बताया कि जनता ही नेता बनाती है, इसलिए हमें कभी भी जनता को नहीं भूलना चाहिए और जमीनी स्तर से जोड़कर लोगों के काम करवाना चाहिए। विशेष तौर पर आज कार्यक्रम में पधारी मीना राजे बुंदेला, जिला पंचायत अध्यक्ष पन्ना, पूर्व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान की बेटी के प्रथम गांव में पधारने पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले भर से भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजे ने अपने भाषण में इस बार के जिला पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण मिलने पर बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत मुख्यमंत्री का सपना साकार हुआ। आज मैं टीला की बेटी आज पन्ना जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं, जिससे मेरे गांव मेरा जिला का नाम रोशन हुआ है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। अपने गृह गांव टीला में प्रथम आगमन पर गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मीना राजे का भव्य स्वागत किया और साथ में पत्रकार सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष भरत सिंह चौहान, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवनीत सेन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील रघुवंशी आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मायके आई, आपको कैसे लग रहा है? आपको क्या क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहिए? अपने मायके आना हमेशा ही अच्छा होता है, बहुत सुखद लगता है। हर बेटी का सपना होता है कब वो अपने मायके पहुंचे। कुछ बन के मायके आना ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इसी में मैं देख रही हूँ अपने मम्मी डैडी के चेहरे पे जो खुशी है, मेरे भाई लोगों के चेहरे पे जो खुशियाँ हैं, वो मुझे देख के इतना सुकून दे रही हैं। तो और आप सब क्षेत्रवासी जो मेरे सभी अपने हैं, सबके चेहरे देख के जो खिले खिले देख रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वर्णन नहीं कर सकती इस बात का। आपके साथ आपकी साथी जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव जी भी खड़ी हैं। ये आपने लगभग 3 महीने 4 महीने हुए कार्यकाल को,